पूरे देश में बेडरूम को गलत तरीके से बनाया गया है, जिसमें लकड़ी का फर्श पानी के संपर्क में आने पर ये फूल जाता है। दीवारें फॉर्मल्डिहाइड युक्त वॉलपेपर से ढकी हुई हैं, लेकिन किनारों को मुड़ने और फफूंदी लगने में कुछ ही साल लगे। नीचे दीवार पर झालर रेखाएं हैं, लेकिन उसमें हर बार धूल जम जा रहा है। ऊपरी कोनों में भद्दी प्लास्टर लाइनें लगाई तो गई हैं, लेकिन वो टूट और गिर आसानी से जाती हैं। शीर्ष पर सीलिंग लाइटें लगाई तो गई हैं, परंतु गर्मियों में यहीं पर मच्छर इकट्ठा होते हैं। ऐसी की भी पाइपलाइनें खुली हुई हैं और यह वास्तव में बदसूरत है। बाप रिबाप महंगी अलमारी इसका भी कुछ करते हैं। एक भारी बेड के नीचे से सफाई करना मुश्किल होता जा रहा है। चलो इन सब चीजों को साइड करते हैं और इसे एक स्मार्ट लुक देते हैं। सबसे पहले जमीन को बड़ी टाइलों से पक्का किया जाएगा। गैल्वेनाइज्ड स्टील का उपयोग करना सही है। इस फ्रेम को फर्श में मजबूती से फिक्स करेंगे। अब ये गोल किनारों वाला बिस्तरा सही है। इस पर एक गद्दा लगाएं और ये एक इंटरनेट सेलिब्रिटी फ्लोटिंग बेड बन जाएगा। अगर कोई जोड़ा यहाँ झगड़ा भी कर ले तो मजा आएगा। नीचे कलरफुल लाइट्स लगाने के बाद बेड के पीछे चमकती पट्टी लगाएंगे और बाईं ओर एक निलंबित बेडसाइड टेबल बनाएंगे। सस्ता लेटेक्स पेंट सीधे दीवार पर लगाएंगे। एसी को साइड वॉल में छिपा देंगे। गैल्वेनाइज्ड चौकोर स्टील फ्रेम वाली अलमारी बनाएंगे, जिसमें पति पत्नी के कपड़े रखी जा सकती है। ऊपरी सतह पर परावर्तक छत स्थापित करी जा सकती है। आरामदायक प्रकाश और अच्छी लेने के लिए वे विंडो में इलेक्ट्रिक पर्दे लगाए गए हैं। दीवार के प्लास्टर की परत को ग्रूव करना होगा। एम्बेडेड स्टेनलेस स्टील बेसबोर्ड लगाएंगे, जो टिकाऊ और धूल रहित रहते हैं। बाईं ओर सुंदरियों का ड्रेसिंग टेबल है, बीच में एक डेस्क है। अंत में शयन कक्ष के समग्र प्रभाव पर एक नजर डाल।